सवाल का पहला हिस्सा कि ऑब्वियसली बहुत एक अपना शहर था कानपुर, और बहुत अपना ज़िंदगी के बहुत अच्छे साल मैंने वहाँ बिताए हैं बचपन और बड़े होने तक। तो मेरा एक मन था कि एक ऐसी फिल्म बने जो कि पूरी तरह वहाँ शूट हो, जो कि चीट ना की जाए गोरेगांव वेस्ट में, फिल्म सिटी में, वही में, जो इंटायरली कानपुर में शूट हो, जो कानपुर में उसके गंगा घाट के अलावा भी वहाँ की जो सोल है, जहाँ लड़के बातें कैसा करते हैं, मस्ती कैसे करते हैं, वहाँ की लड़कियाँ कैसी होती हैं लखनऊ की। और एक चीज़ शायद मैं अंदर बोलना भूल गया कि पिक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कानपुर लखनऊ की लड़ाई भी है, क्योंकि कानपुर लखनऊ एज अ कैरेक्टर बहुत डिफरेंट शहर है, जबकि उनमें कुछ 75 किलोमीटर का ही फासला है। लखनऊ के लोग बड़े ही थोड़ा प्राउडी और पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड 10 बजे सोने वाले टाइप के होते हैं, और कानपुर वाले बड़े पान मसाला लेदर की ज़मीन है। तो मेरे घर में वो था, मेरी मम्मी कानपुर की है, मेरे पापा लखनऊ के, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो मेरा बहुत मन था दिखाने का, और एक साफ सुथरी फिल्म बनाने का विचार था। ऋषिकेश मुखर्जी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है वैसी फिल्म बनाने की अभी कोई कोशिश करता नहीं है, और करते हैं तो बहुत कम लोग। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक बार ये कोशिश कर सकूं, वो भी अपने शहर में रह के, जहाँ पे एक साफ़ सुथरी प्यारी सी फिल्म में इतनी सी भी वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फैमिली मज़ेदार पिक्चर है, और एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो साफ़ सुथरी हो, कुछ पुराने स्टाइल की हो, जैसे लेट 70s में बनती थी, बस यही मन था। और ट्रेलर लॉन्च हो गया है तो बहुत खुशी है। एक जर्नी होती है हर फिल्म की, बहुत वक्त लगा है इसको बहुत वजहों से, तो यहाँ तक पहुँच गई तो सबसे ज़्यादा खुशी एक डायरेक्टर को ही होती है कि उसकी फिल्म यहाँ तक पहुँच जाए और लोग पसंद करें और देखें। और फिल्म पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बिक चुकी है, आई थिंक अमेजोन पे, अमेजोन प्ले पे, अमेजोन ही है उसका नाम, उस पर, अमेजोन प्राइम पे, सॉरी, उस पर आएगी ये फिल्म 4 महीने बाद थिएटर रिलीज़ के। तो उसको एक उसकी लाइफ भी मिल गई है जहाँ तक वो सही लोगों तक पहुँचेगी। या जैसा मैंने बताया ना कि मेरे पापा हैं लखनऊ के, डॉक्टर हैं, आई सर्जन हैं, मेरी माँ हैं वो कानपुर की हैं, तो वो एक हमें जो घर पे ही दिखता था, हालांकि उन लोगों में बड़ा आश्चर्य, मुझे कभी झगड़ा नहीं होता, बट बातें दोनों हमेशा उल्टी करते हैं आज तक, तो मुझे लगता था बड़ा कमाल है। हाँ, मेरे मामा मामा से उनका बहुत झगड़ा होता था, तो वो लोग आप तम्बाकू खाए बिना बात नहीं करेंगे, कानपुर वाले अपना पान की दुकान में खड़ो के सारी राजनीति हो जाती है, सचिन को क्रिकेट कैसा खेलना चाहिए वो भी पान की दुकान में आ जाता है, मोदी जी को देश के लिए क्या करना चाहिए वो भी हो जाता है। तो जो एक बड़बोलापन है वहाँ का, बहुत बोलने की आदत, तो वो और उसके बाद भी लोग बड़े ही अंदर से बड़े ही डरपोक टाइप के होते हैं। तो मुझे उस तरह की जो एक बड़ी बारीकियाँ थी छोटे शहर की, मुझे वो दिखाने का बहुत मन था। तो या मेरा बहुत कुछ मैंने ड्रॉ किया, मतलब इतनी सारी चीज़ें इस फिल्म में मेरी लाइफ से और मेरे आसपास के लोगों से, अगर बताऊँगा तो मतलब सुबह हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। किरदार के बारे में, वेल, मेरे मतलब एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि विशाल सर खुद कानपुर के हैं। मैं इस फिल्म के पहले कभी कानपुर, लखनऊ, यूपी में कहीं पर भी नहीं गई थी। तो हमने, मैं और कुणाल ने दोनों ही विशाल सर के साथ बहुत टाइम स्पेंड की, और वो बहुत ही क्लियर थे कि वो इन दो कैरेक्टर्स के पीछे, जो भी उनके विचार के पीछे, उनके मतलब बोलने के तरीके में, उनके सोच विचार में इंटेंशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो बहुत ही क्लियर थे। तो वो सब जब इन्होंने बताया, और एक और ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि वो तैयार थे, हमें शूट के पहले वहाँ ले जाने के लिए तैयार थे। तो हम लोग एक्चुअली शूट के पहले कानपुर गए थे, और हम लैंड होते ही हम लोग मिठास गए, जो मिठास गए जो कानपुर में बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग खाना मिलता है वहाँ पे। तो बैठ के हमने फुल ऑन कानपुरिया खाना खा के फिर 2-3 दिन वहाँ रेकी वेकी के टाइम पे मैं विशाल सर के साथ ही थी। तो वहाँ के जो मतलब वहाँ का जो बोलने का तरीका, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की लड़कियाँ कैसे हैं, उनमें एटीट्यूड कैसा है, वो सब देख के फिर आई थिंक बहुत ही फ़र्क पड़ा। तो हम लोग बहुत लकी थे कि सबके पास टाइम था, विशाल सर ने हमें इतना मतलब समय दे के फिर हम लोग शूट करने गए। तो हम लोग बहुत लकी थे क्योंकि कभी कभी आपके पास समय नहीं होता है प्रेपरेशन करने के लिए, लेकिन हमारे पास वो था। जिस तरह का लड़के को दिखाया गया है इस फिल्म में, क्या आपने ऐसे लड़के से कभी मतलब मुखातिब हुई, आप अगर कुछ शेयर करना चाहें? इस तरह के एक्चुअली ऑनेस्टली मरुधर टाइप का कोई लड़का हो ही नहीं सकता है, एंड आई थिंक सारी जो लड़कियां हैं मरुधर से, मतलब दे फॉल इन लव विद मरुधर, आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर। आई नो विशाल सर को जानते भी है कि मैं तो बार बार उनको मैसेज भी आज तक भेजती हूँ कि आई लव मरुधर, आई लव मरुधर। वो कैरेक्टर इतना प्यारा है, आई थिंक गर्ल्स आर गोना गो मैड बिकॉज ही इज जस्ट सो प्योर। तो अभी तक लाइफ में देयर इज ओनली वन मरुधर, एंड दैट इज मरुधर इन द फिल्म।
या नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बोलता हूँ हमेशा इंटरव्यूज में, मैं कभी झूठ नहीं बोलता. तो बहुत अजीब गरीब चीज़ थी कि कुणाल राय कपूर को हम मिले थे कोई चीज़ के लिए. मैं मिला था एक फिल्म के लिए, वो फिल्म शुरू हो ना हो मुझे पता नहीं था. तो मैं ये फिल्म शुरू कर रहा था, मैंने कुणाल को बोला, तो कुणाल से दोस्ती अच्छी हो गई, तो बोले आप फिल्म करते हैं. तो कुणाल तो एक तरीके से फर्स्ट चॉइस थे आप कह सकते हैं, बट मैं बहुत डरा हुआ था अंदर से कि क्योंकि शबीना खान जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं गब्बर राउडी राठौड़ की बंसाली सर के साथ, उन्होंने मुझे कुणाल जी को दिलाया था, बेसिकली उन्होंने मिलवाया था. तो मुझे बड़ा डर था यार, मैंने हाँ तो बोल दिए, पर ये कानपुर का कैसे लगेगा, साउथ बॉम्बे का लड़का और ये दिल्ली वैली टाइप और ये नौटंकी साला, बड़ी मॉडर्न फिल्में की हैं. तो बहरहाल वो एक डर था. लड़की हम ढूंढ रहे थे कि मैं भाई कानपुर लखनऊ की लगने वाली एक लड़की चाहिए. तो उसमें जितना भी आप बॉम्बे में लड़कियाँ अगर आप जैसे अगर आप ऑडिशन करो या आप लोगों से मिलो तो आपको सब एक जैसी जिम जाने वाली, एक जैसी फिट, एक जैसी वो सब मॉडल्स वन ऑफ एक्ट्रेस मिलती हैं. तो कोई ऐसा कोई पैकेज था नहीं. तो मैं एक और कोई एक्ट्रेस थी, उनका नाम मैं कोई मतलब नहीं यहाँ लेने का, अच्छा हुआ नहीं मैंने उन्हें लिया, आई एम रियली लकी, उनकी आ चुकी है अभी दो तीन फिल्में. तो ऑलमोस्ट मैं उनके साथ काम करने को तैयार था, सब हो गया था, ऑलमोस्ट रेडी था कॉन्ट्रैक्ट. और उस दिन किसी वजह से इनके जो सारा इनका काम देखते हैं कुणाल एम शाह, तो वो मेरे बहुत अच्छे और बहुत पुराने दोस्त थे. दोस्त क्या है, हमारे साथ के ही हैं, जब मैं फिल्म क्रिटिक होता था तो वो भी फिल्म क्रिटिक ही थे और वो मेरे बहुत पहले से हैं. तो मैं कुणाल को फ़ोन किया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे ज़रूरत है, वैसे मुझे पसंद आ गई है, बट कह रहे निकले वहाँ मत कर, अरे वो तो बहुत गड़बड़ है मामला, तो बहुत बहुत परेशान करेगी शूट पर. तो मैंने कहा फिर कौन, तो देन तारा वॉक देन एंड आई थिंक आई मेट तारा ट्वाइस प्रॉबेबली फॉर वेरी ब्रीफ टाइम. शी डजन स्पीक मच, शी इज़ वेरी फॉर्मल. सो एंड बट इनका मैंने फिल्में देखी हुई थी एज ए क्रिटिक, मैंने रिव्यू की हुई थी दोनों फिल्में, लव गेम्स और मस्तराम. तो मुझे आइडिया था कि वॉट आई एम गेटिंग इन टू. बट जब मैं इनसे मिला तो मैंने बताया कि इस तरह की फिल्म है. बट मैं ऑन सीरियस नोट ही बोलना चाहूँगा, तो तारा वॉज एग्जैक्टली द सेकेंड चॉइस एंड देन शी बिकेम द फर्स्ट चॉइस. बट आई थिंक शी इज़ द प्रॉबेबली ओनली एक्ट्रेस, आई हैव डन फोर फिल्म विद फाइव सिक्स एक्ट्रेसेस. She sleeps at 10. She has a very strict lifestyle. She doesn't entertain even director, actor, anyone. तो बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की और बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएंगी ये. सब कुछ. लोगों को फिल्म क्यों देखनी चाहिए? क्या यूएसपी होने वाली है अकॉर्डिंग टू यू? फिल्म. आई थिंक एक्चुअली जब विशाल सर ने पहली बार मुझे ये कहानी सुनाई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि आई थिंक अगर मैं इस फिल्म में नहीं भी थी तो मैं फिर भी ये फिल्म देखती. तो आई थिंक इस फिल्म में जो विशाल सर कह रहे थे ना, जो छोटी छोटी मोमेंट्स जो हैं, जो एक मतलब बहुत ही प्यारे जो मोमेंट्स होते हैं वो आप हर फिल्म में नहीं देखते, जो प्यार के जो अजीब अजीब मोमेंट्स होते हैं. तो मरुधर एक्सप्रेस में मतलब ये मोमेंट्स भरे पड़े हैं. तो आई थिंक ऑडियंस इज विल लव इट. अगर आपको रोमांस चाहिए, कॉमेडी चाहिए, कुछ भी, दिस फिल्म हैज इट ऑल एंड आई होप दैट ऑडियंस इज लव द फिल्म. थैंक यू सो मच. एक्चुअली इसका जो एक्सपीरियंस था मरुधर एक्सप्रेस का, जो म्यूजिक सिटिंग बोलिए, जो कहानी मैंने सुना फर्स्ट टाइम, बहुत ही अच्छा था. मतलब विशाल एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा लिरिसिस्ट भी है. ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है. म्यूजिक डायरेक्टर अगर डायरेक्टर को मिल जाता है लिरिसिस्ट तो कहानी उनका है, तो वो बहुत ही अच्छा गाना लिखा है इसमें. और विशाल को छोड़ के मनोज मुंतशिर जी और रश्मि विराग जी ने गाना लिखे हैं. और इसमें विशाल को जो चाहिए था वो दादा आपका टच चाहिए, उन्होंने कहा था कि मेलोडी जो है तो यमन रागे के ऊपर बनाया तुम चले गए, जो गाना आपने सुने हैं और जो आजकल कम बनता है. तो हमारी कोशिश ये है कि जो कान में अच्छा लगता है जो गाना वही हम बनाते हैं. और जो आपने डांस टम्बर सुना है वो मेरा नहीं है, वो अलग कंपोज़र का है, लेकिन वो अच्छा गाना है. बट मेरा जो तरीका है गाना बनाने के लिए, आपने अब जानते हैं फ्रॉम आशिकी टू खामोशिया, मुस्कुराने की वजह तुम हो, सुनो न संगे मनमर, हमारी अधूरी कहानी, तो मेरा एक स्टाइल है वो. तो इसमें मैंने कोशिश किया कि मेलोडी रखने के लिए. एंड सर आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इतना अच्छा मूवी आपने बनाया. दिस इज लकली मतलब विशाल इज माई चाइल्ड हुड फ्रेंड एंड ही इज डिसाइडेड टू दिस कम्प्लीट मूवी इन द कानपुर.
पहले वो आए तो उन्होंने बोला कि कानपुर एंड यूपी में शायद शूट करना क्या इजी होगा कि नहीं, बट आपको बताएं कि यूपी एंड कानपुर इज़ वेरी सपोर्टिंग, और ये मूवी में इन लोगों ने भी देखा बहुत इजीली एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट एंड ऑल पब्लिक सपोर्ट, ऐसा नहीं जैसे मतलब लोगों का परसेप्शन था कि वहाँ शूट करना थोड़ा टफ होगा, और इस समय तो बहुत सारी मूवीज़ का शूट हम लोगों के यहाँ हो रहा है, तो हमारा एंड से जो एज ए प्रोड्यूसर हम जो मैनेज कर सकते थे वी डन ऑल, एंड मैंने देखा कि इतना टीम वर्क इवन आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट आई एम टेलिंग यू कि इट इज गोइंग इन डिटेल, इट इज बिग टीम वर्क टेक्निकल एंड ऑल स्किल, एंड आई जस्ट यू कैन से कि ये फिल्म नहीं आसान, मतलब आई कैन से कि ये बहुत बड़ा टीम वर्क होता है फिल्म बनाना, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एंड आई लर्न सो मच एंड थैंक्स टू विशाल एंड दादाजी जो सब ने इसको पूरा कम्प्लीट किया। देखिए भाई मेरा कहना ये है कि बहुत सारा गाना हम लोग सुनते हैं जो रिक्रिएट हो रहा है अभी, कोई गाना पंचमदा का है, कोई गाना एलपी जी का है, कोई गाना नुसरत साहब का है। जब मैं क्रेडिट लिस्ट में जाता हूँ देखने के लिए नाम, कभी कभी बहुत दुख लगता है कि उनका नाम नहीं रहता है, उनका नाम पहले आना चाहिए, फिर जो रिक्रिएट कर रहा है अगर कोई भी कंपोजर रिक्रिएट कर रहा है उनका नाम बाद में आना चाहिए, क्योंकि वो गाने का जन्म तो हो गया ऑलरेडी, आप रिक्रिएट कर रहे हो, तो ऐसा गाना जो पंचमदा का गाना हो या एलपीजी का गाना हो या किसी कंपोजर का गाना ही हो, उनका गाना उनका नाम पहले आना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से म्यूज़िक कंपनीज को और सारे प्रोड्यूसर्स को डेफिनेटली, और ये काम ख़राब नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कभी कभी सुनता हूँ कि गाना बहुत अच्छा लगता है रिमेक करके, कभी कभी लगता है कि नहीं ठीक नहीं लगता है, ये तो होता ही है, लेकिन कम से कम गाना सुन रहे पुराना गाना, आजकल के बच्चे जो नए नए हैं उनको भी सुनने को मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो मिमल ने YoYo TV app download చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా? మీ App Store కి వెళ్లి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి।